वेंटिलेटर रहते हैं इसी को जी हां एक हो जिसमें दीपा ने भी जैसे ये गिरा है इसके बाद लड़की हो रहा है दूसरे दे दीपा करते हैं गलत ये हमारी मतलब करी है यही लोग खबर दिए हां बता हमें सर कहीं से मदद नहीं मिली है। हम 20 अप्रैल से जो है जो 20 अप्रैल से हम जब से गिरे हुए हैं तब से हम परेशान हैं और हमारे पास हम बहुत लाचार और बहुत गरीब हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं इसीलिए हमारा इलाज नहीं हो पाया। क्या दिक्कत है आपको? हमारे जो है गिरने से जो है कमर टूट चुकी है और रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने से नस दब गई है सर और जो है उसी से बहुत परेशानी है सर और जो है बहुत तकलीफ है हमको ना लेटरिन जनाई पड़ती है ना बाथरूम सर जनाई पड़ता है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारा इलाज हो जाए और हम मतलब चलने लायक हो जाए। पांच लड़की एक लड़का एक लड़की हम दूसरे दे दी खेत राय थोड़ा बहुत 13-20 हुआ वो भी हमने गिरव रख दिया 30,000 पर वो भी ना छुटवाई पाने में खाने पति को माने पति को क्या समस्या है? पति सर आप लोगों ने दुआ से मतलब छत से गिर गए तो कुछ ठीक हो जाए सुधार आ जाए तो अच्छी बात है। लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं जान पाओ दे हम उठाओ उठाओ करत करत काम बहुत ऐसी रेलवेगंज राहुल सिंह ने जो गरीब परिवार की मदद की कुछ कपड़े लत्ते इत्यादि दिया उसको और एक सराहनीय कार्य है। इस तरह से अगर पुलिस वाले जनता के सुख दुख में व्यक्तिगत रूप से अगर भागीदारी करना सुनिश्चित करेंगे तो उनका निश्चित रूप से हम लोग विश्वास जीतेंगे और जो जनता और पुलिस के बीच में गैप है इसको भी कम किया जा सकता है और जनता के सहयोग से अच्छी पुलिसिंग करने में हमको मदद मिलेगी।